हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटेक। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंप्रेशंस एंड रीच में क्या डिफरेंस होता है। वी विल सी द लाइव डिफरेंस और हम इंप्लीमेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी कैपिंग इन फेसबुक एड्स फॉर डेली रीच। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट डाइव इनटू इट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार देखा होगा इंप्रेशंस एंड रीच का डेटा सिमिलर नहीं होता है। खासकर जब आप फेसबुक एड्स रन करते हैं तो एड्स मैनेजर में इंप्रेशंस एंड रीच का डेटा कैंपेन ओवरव्यू में शो होता है। सो इंप्रेशंस एंड रीच के डेटा में डिफरेंस होता क्यों है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं इंप्रेशंस के बारे में। मान लीजिए आपने एक पोस्ट किया फेसबुक पे एंड वो पोस्ट आपने डिफरेंट ग्रुप्स में, पेजेस पे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया। अब एक विजिटर आपके पोस्ट पे आता है और आपके पोस्ट को दो बार स्क्रॉल करके देखता है एंड उसके बाद वो किसी पेज पे जिस पे आपने शेयर किया था पोस्ट, उस पेज पे जाके आपके पोस्ट को देखता है, तो आपके टोटल इंप्रेशंस हो गए 3। और अब हम बात करते हैं रीच के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि टोटल इंप्रेशंस हमारे हुए थे 3 एंड पोस्ट कितने तक पहुंचा, पोस्ट पहुंचा सिर्फ 1% तक, भले वो उसने टाइमलाइन पे देखा हो या फिर किसी फेसबुक पेज पे देखा हो। तो यहाँ पे हमारे टोटल इंप्रेशन हो जाते हैं 3, लेकिन हमारा जो पोस्ट रीच हुआ वो सिर्फ है 1, क्योंकि हमारा जो पोस्ट था सिर्फ 1% ने 3 बार 3 जगह पे देखा। एंड उसको दिखाने के लिए मैं चलता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर में, जहाँ पे कि मैं आपको इंप्रेशन एंड रीच का डेटा शो करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रीच और इंप्रेशन के डेटा में कितना डिफरेंस है। और ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एक यूजर ने आपका एड मल्टीपल टाइम्स देखा है। बट हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने यूजर को सिर्फ एक ही बार दिन में ऐड दिखाएं। जैसे हम गूगल एड्स में फ्रीक्वेंसी कैपिंग लगाते हैं ताकि हमारा जो ऐड है वो सेम पर्सन को मल्टीपल टाइम शो ना हो, वैसे हम फेसबुक एड्स मैनेजर में डेली रीच को फिक्स कर सकते हैं। सो उसके लिए हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक एड्स मैनेजर पे, जहां पे आपको शो करूंगा कि आप कैसे डेली रीच को कंट्रोल कर सकते हैं। एड्स मैनेजर पे आने के बाद आप देख सकते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं एंड वहां से हमें जाना है किसी भी कैंपेन पे, चाहे हम कैंपेन को क्रिएट करें या फिर एग्जिस्टिंग कैंपेन को हम एडिट करके भी देख सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं एडिट के ऊपर एंड कैंपेन सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको जाना है एड सेट पे एंड एड सेट पे आने के बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे चलना है एंड जैसा कि आप देख रहे हैं हम ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो आप ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी देख रहे हैं, इस ऑप्शन पे जो लिंक क्लिक्स आ रहा है इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप पहले ऑप्शन में देख रहे हैं लैंडिंग पेज व्यूज। लैंडिंग पेज व्यूज वाले ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फेसबुक आपके कैंपेन को इस तरह से ऑप्टिमाइज करेगा ताकि जो यूजर्स हैं जिनका की प्रीवियस हिस्ट्री रहा है किसी लैंडिंग पेज पे जाने का और वहां पे कुछ एक्शन परफॉर्म करने का, सो उन लोग को टारगेट करेगा। एंड जो सेकेंड ऑप्शन है लिंक क्लिक्स का, फेसबुक आपके पोस्ट को उन पर्सन तक पहुंचाएगा जो कि क्लिक्स करते हैं एड्स पे जाके। एंड जो थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं इंप्रेशंस का, फेसबुक आपके पोस्ट को मल्टीपल टाइम शो करने का ट्राई करेगा। एंड जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है डेली यूनिक रीच। अगर आप डेली यूनिक रीच चूज करते हैं सो यहाँ पे आपका पोस्ट दिन में सिर्फ एक बार दिखाई पड़ेगा पर पर्सन। सो हम जो चूज करेंगे वो डेली रीच वाला ऑप्शन चूज करेंगे एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दिस आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट फेसबुक आपके कैंपेन को इस तरह से ऑप्टिमाइज करेगा ताकि जो आपका एड है वो पर पर्सन को सिर्फ एक बार ही दिखाई पड़े पर डे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी आपकी रह गई है वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।